इंदौर में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शहर बाइक टैक्सी बंद करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की, जिससे हजारों रिक्शा के पहिए थम गए। भगवा ऑटो चालक संघ अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इंदौर में करीब 30,000 चालकों ने हड़ताल का समर्थन किया। संघ की 3 सूत्रीय मांगों में प्रमुख बाइक टैक्सी का ऐप बंद करना है। भगवा ऑटो चालक संघ का कहना है कि शहर में ओला, रैपिडो, मैक्सिको कंपनियां बाइक टैक्सी के रूप में चलाई जा रही हैं, जिससे ऑटो रिक्शा चालकों का धंधा ठप हो गया है। वो क्या मांग कर रहे हैं? इंदौर का प्रत्येक 30,000 ऑटो चालक हमारी हड़ताल का समर्थन कर रहा है और साथ ही हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग है बाइक टैक्सी का ऐप बंद करो और बाइक टैक्सी बंद हो जाए। ओला, रैपिडो, मैक्सिमो कंपनियां बाइक टैक्सी के रूप में बाइक टैक्सी चल रही है, उससे हमारे ऑटो चालकों का धंधा व्यापार चला गया है। तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि उस ऐप को बंद कर दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है 2021 तक के ई चालान हमारे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि 2015 में जब हमारे ऑटो चालक ने पहली बार गलती की थी तो उसको उसी समय इनको नोटिस देना था, उसी समय ई चालान बनाना था। अगर उस समय बनाते तो हमारे ऑटो चालक आज जग जाते। इसलिए हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि 2021 तक के ई चालान माफ हो। तीसरी हमारी मांग है कि ई रिक्शा जो ओवरलोड चल रही है, बगैर लाइसेंस के, बगैर परमिटेड के बच्चे गाड़ी चला रहे, इसका प्रावधान बने, लाइसेंस का प्रावधान बने, फिटनेस का प्रावधान बने और 4 सवारी उनकी जो फिक्स है वो फिक्स हो। 8-8, 10-10 सवारी भर के ई रिक्शा चलाई जा रही है, जो कि गलत है। अब हमारे ऑटो चालकों का धंधा चला गया, उनकी रोजी रोटी पे संकट आ गया। वो बेचारे 3 सवारी से 34 सवारी बैठाते तो पुलिस प्रशासन 1,000 रुपये का चालान बना रहा है और ई रिक्शा को छोड़ रहा है। सड़क सबके लिए, नियम सबके लिए, कायदे सबके लिए। हमारी हड़ताल से शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से घबराया हुआ है। आप देख सकते हो चिमनबाग मैदान भर चुका है ऑटो से, और ऑटो चालक आ रहे हैं, उनको जगह जगह पर रोका जा रहा है। हम ये शांति प्रिय धरना करने वाले थे, लेकिन हमारे ऑटो चालकों के साथ जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के लोग गाली गुप्ता बक रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उनको डंडा मार रहे हैं हमारे मजदूर भाइयों को, तो हम भी चुनाव का बहिष्कार कर देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो, और उग्र आंदोलन होगा, सड़कें जाम हो जाएंगी। कितने एसोसिएशन जो ऑटो एसोसिएशन शामिल है आपके हड़ताल में? हमारी यूनियन में जितनी भी ऑटो रिक्शा यूनियनें थी सभी शामिल है, केवल एक वो विरोध कर रहा, राजेश भिड़कर, जिसकी कोई वक़्त नहीं, कोई औकात नहीं। मात्र 10-12 लोग हैं जो कि ई रिक्शा का संरक्षक भी बना हुआ है और वो सभी जगह गोटी खाता रहता है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। आप देख सकते हो भीड़ और समुद्र किस प्रकार से ऑटो रिक्शा का भरा हुआ है। आपका नाम और पद? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी है, मैं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष हूँ। फिलहाल देखना होगा कि भगवा ऑटो चालक संघ की मांग पर शासन क्या फैसला लेता है, लेकिन ऑटो रिक्शा की हड़ताल से सोमवार को यात्री जरूर परेशान होते नजर आए। इंदौर से नीरज बोरासे की रिपोर्ट।